बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जिनको एप्पल आईडी बनानी नहीं आती। अगर जिसने एप्पल आईडी बनानी सीखनी है वो मेरे साथ रहे, मेरी इस वीडियो को पूरा देखे, कहीं से स्किप ना करे। इसमें छोटे छोटे से स्टेप हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी शॉप पर जाते हैं तो 500-1000 का वो आपको एप्पल आईडी बना के देते हैं, तो आप आज ये मेरी एक वीडियो देख के अपना 500-1000 बचा सकते हैं। एप्पल आईडी खुद घर बैठे बना सकते हैं, पीसी पे, मोबाइल पे भी, ठीक है। जीमेल आईडी को ही मैं एप्पल आईडी में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, जीमेल आईडी ही आपकी एप्पल आईडी बन जाएगी। और इंशाल्लाह मैं आज आपको ये सही से हर चीज़ दिखाऊंगा वाजह करके कि कैसे एक जीमेल आईडी एप्पल आईडी बनती है। तो चलें मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। जुबीदार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंचे। तो चलें सबसे पहले ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। गूगल ब्राउज़र ओपन ही था तो इधर लिखेंगे हम जी क्रिएट ए जीमेल आईडी, वो नीचे आ गया, क्लिक किया, इसको प्रेस किया, क्रिएट एन अकाउंट। अब ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है, जैसे मैं तो आपको एज ए प्रैक्टिस ये आईडी बना के दिखाऊंगा, मैं अपने नाम से बना रहा हूँ, जुबी तारड़, ठीक है। इस दफ़ा अक्सर ऑप्शनल नाम दे देता है, अवेलेबल नाम दे देता है, इस दफ़ा उन्होंने नाम नहीं दिया, हम खुद ही मेंशन करेंगे। पासवर्ड दे लें आप, पासवर्ड का पहला वर्ड जो है ना वो कैपिटल होना चाहिए, इससे आपका जो है ना पासवर्ड स्ट्रांग हो जाता है। सॉरी पासवर्ड में थोड़ा सा अब उन्होंने ऑप्शनल दिए हैं, ताड़ जुबी टू जुबी तारड़ 894, जुबी तारड़ 583, इनमें से हमने एक चूज़ करना है, तो हम इनमें से शॉर्ट ही चूज़ कर लेते हैं। शॉर्ट तो इनमें से ये है लेकिन नाम आगे पीछे हो जाता है, तो चले हम ना इसको चूज़ कर लेते हैं, जुबी तारड़ 583। तो नेक्स्ट क्लिक करते हैं। इधर फ़ोन नंबर ऑप्शनल वेरिफिकेशन के लिए अगर देना पसंद करें तो दें, लेकिन मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको। तो मैं इधर रिकवरी ईमेल एड्रेस के, अगर आपकी ईमेल में ईमेल अगर आप इसका पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस ईमेल के थ्रू आपका पासवर्ड आ जाए, लेकिन मुझे अभी इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर ये सिखा रहा हूँ। तो इधर आपने अपने जो है ना बर्थ डेट लगा देनी है, तो नेक्स्ट किया। आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, स्किप नहीं करनी कहीं से। स्किप करेंगे तो एक दो स्टेप है जो बिल्कुल ही ऐसे गुजर जाता है एक दो सेकंड में, तो उसको आपने बड़े अच्छे से जो है ना याद रखना है। तो ये हमारी जीमेल आईडी जो है ना क्रिएट हो चुकी है। अब हमने एप्पल आईडी क्रिएट करनी है। हमें एप्पल आईडी बनाने के लिए एक फ्रेश जीमेल आईडी चाहिए। फ्रेश जीमेल आईडी होगी तो हमारी एप्पल आईडी क्रिएट होगी, ठीक है। अब हमें एप्पल आईडी क्रिएट, ठीक है, क्रिएट योर एप्पल आईडी। तो सर्चिंग पे है जरा, आजकल इधर नेट जरा थोड़ा सा स्लो आ रहा है हमारे, तो इसलिए थोड़ा सर्चिंग पे है। तो फर्स्ट नेम वही जुबी तारड़, कंट्री पाकिस्तान, बर्थ डेट 6/7
1996 नीचे आ जाएंगे तो इधर अपनी जीमेल आईडी जो है ना हमारी, हमने वो इधर क्रिएट करनी है, लिखनी है जो हमने अभी जीमेल आईडी बनाई है, जूबी तारण और 8583 आई थिंक 583 है लेकिन मज़ीद हम देख लेते हैं 583 तो @gmail.com पासवर्ड जो हमने वहाँ पे लगाया वो सेम होना चाहिए, सेम तो नहीं कह सकते ठीक है लेकिन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है देखें ये पासवर्ड इस टाइम मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इधर उधर तो ऑप्शनल था, जीमेल आईडी में ऑप्शनल होता है फ़ोन नंबर देना, अगर देना पसंद करें तो दे दें अगर नहीं तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन जीमेल इधर एप्पल आईडी में जो है ना आपको फ़ोन नंबर देना लाजमी होता है, इसमें आपकी वेरिफिकेशन होनी होती है टोटली, उसके बगैर आपका कोई काम नहीं हो सकता, इसमें आपको फ़ोन नंबर देना ही पड़ेगा। ठीक है तो चलें नीचे एक स्टेप है छोटा सा, टाइप द करेक्टर इन द इमेज, जो कैपिटल है उनको कैपिटल, तकरीबन सारे कैपिटल है। अब वो कह रहा है कि वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू क्रिएट योर न्यू एप्पल आईडी एंड ईमेल विद ए वेरिफिकेशन कोड हैज़ बीन सेंड टू, मेरी जो हमने जीमेल आईडी बनाई थी उस पे उन्होंने बताया कि आपको कोड जो सेंड किया वो हमें दें, तो हम आपने इधर आना है जीमेल आईडी में आना है, जीमेल में गए जीमेल ओपन हो रही है, इधर आपको पासवर्ड एप्पल आईडी वालों ने भेज दिया है, ये आ गया वेरीफाई योर एप्पल आईडी ईमेल एड्रेस वेरीफाई, ये नीचे पासवर्ड है जी 4757 4757 ये हमारा पासवर्ड उन्होंने भेजा 757। तो हम इधर से कंटिन्यू करेंगे नेवर, अब मेरी मोबाइल पे आएगा ठीक है आ गया वो भी। तो चलें नेक्स्ट स्टेप, मैं आपको हर चीज़ वाजे करके दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने कोई चीज़ आपसे छुपाई नहीं ना मैंने कट की है, बिल्कुल वाजे आपके सामने एप्पल आईडी कैसे बनी कैसे क्रिएट की, बिल्कुल आपकी एप्पल आईडी अब रेडी है ठीक है, आप अब यूज़ कर सकते हैं एप्पल आईडी को, ये देख सकते हैं आप, आपकी टोटल जो है ना उन्होंने इधर बता दिया है कि आप एप्पल आईडी जूबीदार 583 ठीक है, बर्थडे डेट जो है ना सारी उन्होंने बता दी है, लैंग्वेज इंग्लिश, कंट्री पाकिस्तान, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ट्रस्ट नंबर आप नंबर भी चेंज कर सकते हैं दोबारा, लेकिन अगर नंबर चेंज करेंगे नंबर वो लगाइएगा जो ऑन हो, क्योंकि वेरीफाइड वेरिफिकेशन इसकी लाजमी होती है, अगर आप नंबर अभी चेंज करेंगे तो उसकी वेरिफिकेशन लाजमी होगी ठीक है। तो आपकी एप्पल आईडी जो है ना इस टाइम रेडी है, अगर जिसको समझ नहीं आई वो एक दो, अगर फिर भी जिसको समझ नहीं आई वो ये वीडियो देख सकता है, अगर फिर भी ना समझ आए तो मैं कहूँगा कि वो मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा ठीक है, मैं खुद बना के दूँगा जिसको अगर समझ ना आए तो ठीक है। तो आज की वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी, और लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा ज़ूबीदार चैनल को, और हमेशा दुआ में याद रखिएगा। ओके अल्लाह हाफ़िज़।